नुआ जातीय शिक्षा नीति को पुरिला तीन वर्ष आसंता काली नुआ दिल्ली में जातीय शिक्षा नीति तृतीय वार्षिकी पूर्ति अवसर में अखिल भारतीय शिक्षा समागम को उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एने सूचना देखते केन्द्र शिक्षा दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सेपटे एने विभिन्न वर्गर शुभेच्छार सुअ छुटी केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव एने एक वीडियो बार्तार समस्त अभिनंदन जनवा सह यह किभली एकाडेमी और शिल्प मध्य घनिष्ठ समन्वय स्थापन कर विषय से रक्षामंत्री राजनाथ सिंह वर्तमान परिस्थिति रे भविष्य को लक्ष्य कर एनईपी कार्य करुवा कहते। सर्वप्रथम मैं आप सभी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तीन वर्ष पूरा होने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक आधारभूत स्तंभ होती है। एक उचित शैक्षणिक वातावरण के बिना संभवतः कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए बदलती वैश्विक परिस्थितियों में समय के साथ साथ शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलाव बेहद आवश्यक हो जाते हैं। यदि हम भारत की शिक्षा प्रणाली का आकलन करें तो हम पाएंगे कि 1986 के बाद देश की शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव नहीं हुआ था। इसलिए समय की आवश्यकता को महसूस करते हुए देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया। स्वतंत्र भारत में संभवतः यह पहली नीति है जो देश के लगभग सभी गांवों, कस्बों, ब्लॉकों, जनपदों, बड़ी संख्या में शिक्षकों, शिक्षाविदों तथा शोधार्थियों, विद्यार्थियों एवं अन्य नागरिकों के सुझावों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। पूरे राष्ट्र की भागीदारी के कारण यह सही मायनों में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। वर्तमान में हमें शिक्षा को रूढ़ियों के संकुचित दायरे से निकालकर इसे वैश्विक और 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार ढालने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह शिक्षा नीति बहुत कारगर सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार। वर्ष 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने भारत की एजुकेशन सिस्टम को 21वीं सदी के वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलने का सपना देखा। 26 करोड़ से अधिक स्कूल जाने वाले बच्चे और 4 करोड़ से अधिक उच्च शिक्षा संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ भारत शिक्षा प्रणाली में दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम में से एक है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ नेतृत्व में जनता एवं सभी हिताधिकारियों की भागीदारी के साथ 34 वर्षों के अंतराल के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी का लॉन्च किया गया। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एनईपी के माध्यम से हो रही ट्रांसफॉर्मेशन की 3 सफल वर्षों की जश्न मनाने के लिए 2 दिवसीय शिक्षा महाकुंभ का आयोजन 29 जुलाई 2023 को अखिल भारतीय शिक्षा समागम शीर्षक में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। मैं आप सभी को इसमें भाग लेने के लिए और इस महत्वपूर्ण अवसर का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रण करता हूं। मैं अब तक एनईपी की यात्रा का हिस्सा रहे सभी लोगों को भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आइए हम सब अपने बच्चों की बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर प्रयास करें। जय हिंद। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा फीचर है इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी का जुड़ाव। अगर मैं अपने यूनिवर्सिटी के दिनों की बात याद करूं, यूनिवर्सिटी के समय उस जमाने में पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के तहत यूनिवर्सिटी अपनी एक साइलो में रहती थी, इंडस्ट्री अपनी एक अलग साइलो में रहती थी, दोनों के बीच में जुड़ाव नहीं हो पाता था। हम लोग की इतनी इच्छा होती थी कि जो सर्किट हम डिज़ाइन करते थे उस सर्किट को कहीं पर इंडस्ट्री में टेस्ट कर सके, लेकिन वैसी फैसिलिटी नहीं मिलती थी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी से एक बहुत बड़ी चीज़ आई है जिसमें इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी के बीच में एक क्लोज कोऑर्डिनेशन रहेगा। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के फ्यूचर स्किल्स प्राइम का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में जो फाइनल ईयर है यूनिवर्सिटी का वो किसी भी इंडस्ट्री में जाके किया जा सकता है। ये तभी संभव हो पाया क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगी। इसलिए आइए हम सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 3 वर्षों को सेलिब्रेट करें और राष्ट्र में जो बड़ा बदलाव आ रहा है उसको आज अभिनंदन करें।